आज हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, जिसको हम यूज करेंगे AUB टर्म यूज करेंगे यूजुअली जब हम आगे पढ़ेंगे। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग जो होती है, जो 21 से 35 दिन का होता है, 28+7 डेज जो कि 35 होता है, 28-7 डेज जो कि 21 होता है, इस ड्यूरेशन से चेंज हो गया या इस लेंथ से चेंज हो गया, या ड्यूरेशन जो कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली जब 28 डे या फिर किसी को 32 डे या 26 डे स्टार्ट होता है, तो वो 2 से 7 दिन तक लास्ट करता है, उससे चेंज हो गया। या अमाउंट ऑफ ब्लड पर साइकिल 30-50 ml ब्लड विड्रॉ होती है, इससे ज्यादा कम हो गया तो क्या क्या टर्म यूज करेंगे। तो अगर ड्यूरेशन जो है 2 दिन से कम हो गया तो उसको हाइपोमिनोरिया कहेंगे, हाइपो मतलब कम हो गया, मिनोरिया। इसके बाद इफ ड्यूरेशन इज मोर देन 7 डेज है, 7 डेज से ज्यादा हो जा रहा है तो मेनोरेजिया कहेंगे, ज्यादा ब्लीडिंग हो जा रही है उसे। इफ अमाउंट इज मोर देन 80 ml से बढ़ जा रहा है, मैक्सिमम 30-80 ml तक भी नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन अगर 80 ml से ज्यादा हो रही है तो हम उसको भी मेनोरेजिया कहते हैं। इसके बाद अगर लेंथ जो है, लेंथ 21 दिन से कम हो गया तो बार बार आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हो गया पॉलीमिनोरिया। इसके बाद अगर 35 दिन से कम हो गया, मतलब नहीं 35 दिन से ज्यादा हो गया, हर बार लेट आ रही है ब्लीडिंग, 35 दिन से भी ज्यादा हो रहा है तो उसे ओलिगोमिनोरिया कहेंगे। इसके बाद जो है अगर पॉलीमिनोरिया मतलब बार बार आ रहा है, और जो है वो बार बार आ रहा है मतलब 21 दिन से कम में भी आ रहा है और ब्लीडिंग 80 ml से ज्यादा भी हो रहा है, तो उसको पॉलीमेनोरेजिया कहेंगे, पॉलीमेनोरेजिया, पॉलीमिनोरिया प्लस मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, ठीक है। इसके बाद जो है अगर साइकिल जो है इरेगुलर है, मतलब साइकिल रेगुलर चल रही है, बीच बीच में एक इरेगुलर साइकिल आ जा रहा है, या बीच बीच में स्पॉटिंग हो जा रही है, ब्लीडिंग थोड़ा हो जा रहा है, तो उसको मेटोरेजिया कहते हैं। ये सब टर्म जो है ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होते रहती है गायनी में, जब हम पढ़ते हैं मदर के बारे में, प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में, या फिर पहले जो है फीमेल जो है आती है गायनी डिपार्टमेंट, वो बताती है कि ये इशू हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है यूजुअली यूज होती रहती। तो इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग वो क्या होता है, हैवी फ्लो के साथ हो रहा है तो मेनोरेजिया, इरेगुलर एसाइक्लिकल ये हो गया मेटोरेजिया, तो मेटोरेजिया प्लस हैवी फ्लो के साथ हो रही है, हैवी फ्लो हो गया मेनोरेजिया अपना, तो ये दोनों साथ में मेनोमेटोरेजिया कहलाता है, जो कि कॉमन है किसमें, कैंसरस सर्विक्स में और पॉलिप्स में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मेट्रोपैथिया हेमरेजिका, इसमें क्या होता है ब्लीडिंग जो है वो एमिनोरिया के बाद फॉलो अप होती है, एमिनोरिया 2.5 से 3 महीने जो है किसी फीमेल को ब्लीडिंग नहीं हुआ, यूजुअली एमिनोरिया का डायग्नोसिस जो है मोस्ट केसेस में प्रेगनेंसी आता है, कि प्रेग्नेंट है फीमेल तो ब्लीडिंग नहीं हो रहा, बट जब प्रेगनेंसी भी नहीं है तो जो है उसका जो है हैवी विड्रॉल हो रहा है 2.5 से 3 महीने के बाद, तो उसको कहते हैं मेट्रोपैथिया हेमरेजिका। ये जो है 40+ फीमेल में मोस्ट कॉमन है। अब 40+ फीमेल में कैसे बहुत कॉमन है, तो उनकी साइकिल एन ओवुलेटरी होती है, क्योंकि उनके जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स तो एक लिमिटेड है, वो फॉलिकल्स यूज होते हैं, अच्छे फॉलिकल्स यूज हो चुके हैं, अब जो फॉलिकल्स बचे हैं वो अच्छे से ओवोल्यूट नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से क्या होता है हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम। ये कैसे होता है, तो बॉडी में फैट होती है, फैट जो है एरोमेटेज एंजाइम के यूज से वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि अपने पास जो है फॉलिकल जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, तो वहां से एस्ट्रोजन नहीं आके एरोमेटेज एंजाइम फैट को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। 40+ ही में फीमेल जो होती है वो ज्यादातर ओबेस भी हो जाती है, तो फैट ज्यादा ही होता है, तो वो उनका जो है एस्ट्रोजन लेवल आ जाता है, एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन हो जाती है, एरोमेटेज एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है फैट को एस्ट्रोजन में, तो हाइपरप्लेजिया ऑफ इंडोमेट्रियम तो हो जाता है, लेकिन जो है सिक्रेटरी इंडोमेट्रियम नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि सिक्रेटरी इंडोमेट्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लूटियम के रिलीज होने के बाद जो है, कॉर्पस लूटियम जब फॉर्म हो जाता है, बन जाता है येल्लो बॉडी, तो वो रिलीज करती है प्रोजेस्ट्रॉन, तो उस वजह से जो है ये सिक्रेटरी इंडोमेट्रियम होता है, बनता है, तो उसमें आके इम्प्लांटेशन होती है, तो ये जब जो है ये नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रोलीफरेशन हो रहा है, हाइपरप्लेजिया ऑफ इंडोमेट्रियम होते जा रहा है, तो ये जो है ये फिर कुछ दिनों में ये कैसे हैवी विड्रॉल होता है, तो जब इंडोमेट्रियम है, ये एक इंडोमेट्रियम है, ये इंडोमेट्रियम है, तो ये जो है धीरे धीरे प्रोलीफरेट हो रहा है दोनों तरफ, हर तरफ से,
प्रोलिफरेशन के साथ साथ क्या होता है, तो इसमें जो है ब्लड ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे, वो ब्लड वेसल जो है एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि इसमें प्रोलिफरेशन कंटिन्यू चल रहा है और जो है विड्रॉल नहीं हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों आ जाते हैं बहुत पास पास में और उस टाइम जो है इनका ब्लड फ्लो जो है मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से क्या होता है विड्रॉल होता है, विड्रॉल होता है तो जो हैवी विड्रॉल होती है, तो ये इसमें जो है हाइपरप्लेजिया, ये मतलब विड्रॉल हो गई इसकी हैवी विड्रॉल, तो ब्लीडिंग जो है काफी टाइम बाद, क्योंकि 2-3 महीने तक ये प्रोलिफरेट हो रहा है एस्ट्रोजन की मदद से, लेकिन वो जो है सिक्रेटरी इंडोमेट्रियम नहीं बन पा रहा है, और इंडोमेट्रियम में ऐसे भी नॉर्मली भी जो है प्रोजेस्टेरोन तभी काम कर पाता है जब एस्ट्रोजन उस पर काम किया होता है, लेकिन इसमें एस्ट्रोजन काम किया हुआ है लेकिन प्रोजेस्टेरोन कम्प्लीटली एब्सेंट है, कम्प्लीटली मतलब जो है जितना नीडेड है, ऐसा नहीं है कि उसमें उस फीमेल में प्रोजेस्टेरोन है ही नहीं, ये भी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, तो इसका डायग्नोसिस जो है यूजुअली डायलेशन एंड क्यूरेटाज से करते हैं और माइक्रोस्कोपी में फिर भेजा जाता है, और डायलेशन एंड क्यूरेटाज भी कभी कभी इसमें जो है ना ट्रीटमेंट के तौर पे यूज होता है, क्योंकि डायलेशन एंड क्यूरेटाज से क्या होता है सर्विकल डायलेशन हुआ, उसके बाद क्यूरेटाज से जो है इंडोमेट्रियम को थोड़ा सा इंडोमेट्रियम को स्क्रैप किया जाता है, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे फिर आ गया अपना प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या किया फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडोमेट्रियम कराया और उससे जो है ब्लीडिंग हो गई, तो ये जो है कभी कभी इसमें ट्रीटमेंट की तौर पे जो है क्यूरेटाज जो है एज अ ट्रीटमेंट भी कभी कभी यहाँ पे यूज होता है।